हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि फाइन मोटर स्किल्स क्या है और इन ब्लॉक्स की मदद से, ब्लॉक्स या लीगोस, इनकी मदद से आप बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स कैसे बच्चे की प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले कि फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है कि जब बच्चा कोई स्मॉल एक्शन परफॉर्म करता है, मतलब छोटी छोटी एक्शन, जैसे कोई चीज होल्ड कर रहा है उसमें अपने उंगलियों का और थंब का इस्तेमाल कर रहा है होल्ड करने में। सपोज इसको पकड़ना है तो उसमें उंगलियां और थंब इस्तेमाल हो रही है इस तरीके से, तो उसे हम कहते हैं कि वो फाइन मोटर स्किल कर रहा है, कस के दबा रहा है या किसी चीज को वो ऐसे स्क्वीज कर रहा है, निचोड़ रहा है, तो उसमें भी हम क्या कहते हैं कि वो फाइन मोटर स्किल्स कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर वो रेत में भी अपने पैर को धंसा रहा है और उसमें प्रेशर दे रहा है, उसे भी हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। इनफैक्ट अगर वो अपना टंग और लिप्स, ये सारी चीजें टेस्ट करने के लिए और किसी ऑब्जेक्ट को फील करने के लिए भी यूज कर रहा है, उसे भी हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। तो इधर लीगो का यूज कैसे होता है फाइन मोटर स्किल में, ये 18 मंथ से आपको बच्चों को इस तरीके की लीगोस जरूर देनी चाहिए, लीगोस और ब्लॉक्स। तो ये इस जब भी ब्लॉक्स खरीदिए, आप ध्यान रखिए कि बच्चे को अगर इस टाइप की ब्लॉक्स मिल जाए तो ये इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। बिकॉज ये मैं इसीलिए कह रही हूँ, बिकॉज इसमें क्या है कि इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, लाइक दिस, ये डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर वॉच, और इसमें आपको ऐसे जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मिलेंगे, व्हाट इज दिस, अगर बच्चे को आप सिखा रहे हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस वन इज लिप्स, यस। इतना ही नहीं, इसमें आपको काउंटिंग भी मिलेगा, नंबर काउंटिंग, सी लाइक दिस, टू वेरी गुड। तो इससे आप बच्चों को काउंटिंग भी सिखा सकते हैं, वन साइड में इसमें क्या है अल्फाबेट है, वन साइड में काउंटिंग। तो इस तरीके का जो लीगोज हैं ये बच्चे को बहुत काम आने वाला है। तो ये फाइन मोटर स्किल में बच्चे को क्या हेल्प करेगा, मतलब जहाँ पे वो अपने हैंड फिंगर्स और थंब का यूज कर रहा है, तो फाइन मोटर स्किल बच्चे को जरूरी क्यों है, ये उसको बाद में जब वो पेंसिल होल्ड करता है, गिव मी वन पेंसिल, पेंसिल और पेन ऐसे कुछ भी, सपोज ये मेरे पास पेन है, स्केच पेन होल्ड करता है, तो उसको क्या है कि उसकी उंगलियां और उसका अंगूठा ये सबसे पहले यूज होता है। तो बच्चे को फाइन मोटर स्किल कराने का हमारा मकसद ही ये होता है कि हम उसको जितना प्रैक्टिस कराएंगे, जितना ऐसे सब काम कराएंगे, उतना ही वो इजीली पेंसिल होल्ड कर सकेगा या ग्रिपिंग कर सकेगा। तो आपको जब आपका बच्चा 18 मंथ्स का हो जाए, इस तरीके की टॉयज आप जरूर लाए। देखिए इसमें क्या करना है, ये तो सभी बच्चों को पता है, सभी पेरेंट्स को भी मालूम है, तो इसमें बच्चे को अगर आप देंगे तो इस तरीके से ब्लॉक्स, ये लाइक दिस, इस तरीके से बच्चा ब्लॉक्स बनाएगा, वो इसको कितना भी लंबा बना सकता है। तो इसमें हम हैंड का पूरा यूज हो रहा है, आपका फिंगर और थंब, नॉट ओनली दिस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मतलब उसका कंसेंट्रेशन भी यहाँ बढ़ रहा है, वो ये चीज भी बहुत अच्छे से कर रहा है। इसमें आप और एक चीज, अब ये तो हो गया उसका फाइन मोटर स्किल में यूज, नेक्स्ट आप इससे बहुत सारी एक्टिविटीज करा सकते हैं। सपोज आप अल्फाबेट सिखा रहे हैं, आप सॉर्टिंग करवा सकते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स रख दिया, बच्चे को बोल दिया कि ये सॉर्ट करना है, जैसे कैपिटल ई रख दिया, इसके नीचे आपके पास अगर स्मॉल अल्फाबेट्स के सॉर्टर्स हैं तो बच्चे को अरेंज करने के लिए आप बोल सकते हैं लाइक दिस ना? तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ये एक गेम हुआ, तो ये एक गेम करा सकते हैं। नेक्स्ट आप काउंटिंग के लिए आप इस तरीके से इसको आप पलट देंगे और काउंटिंग भी बच्चे को समझा सकते हैं सॉर्टर्स के थ्रू, ये भी एक गेम कर सकते हैं। फिर इतना ही नहीं, आप शेप से, ये जो लीगोज है इसके शेप से आप एक ऐसे बनाना है लाइक दिस, ये जैसे मैं बना रही हूँ, बच्चे को ऐसा भी गेम खेलने दे सकते हैं कि वो इससे ए बनाए लाइक दिस,
मतलब आप एक चीज का बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चे को बी बनाना भी आप सिखा सकते हैं। ये जैसे ए बन गया, से बी भी बनाना सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से। सो थैंक यू फॉर टुडे।